उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना इलाके में गुलाबबाड़ी पर उस समय हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े ई रिक्शा चालक की उसके रिश्तेदार द्वारा ही दिन दहाड़े चाकू से हमला करके मौत के घाट उतार दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मृतक का शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाजार के बीच दिन दहाड़े हुए इस मर्डर को वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद करके वायरल कर दिया है। दिन दहाड़े गुलाबबाड़ी इलाके में हुई घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसपी सिटी अमित कुमार आनंद पहुंच गए। एसपी सिटी ने घटना का खुलासा करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि हत्यारे को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दोनों ही मृतक और हत्यारा आपस में परिचित हैं। दोनों में आपसी विवाद चल रहा था जिसके चलते हत्या को अंजाम दिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है और मृतक के शव का पोस्टमार्टम पुलिस द्वारा कराया जा रहा है। थाना कटघर क्षेत्र में पीतल बस्ती एरिया में ये उबैद नाम के व्यक्ति द्वारा जाहिद को चाकू मारा गया था। इसको तत्काल हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया था। इलाज दौरान इसकी मृत्यु हो गई है। इसमें अभी तक जो जांच में आया है, इसमें जो मृतक है इसके जो बड़े भाई से मारने वाले व्यक्ति की बहन की कुछ दिन पहले शादी हुई थी। इसमें किस बात को आज ये विवाद हुआ था इसमें जाँच की जा रही है। इसमें तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। सभी तथ्यों का संज्ञान लेते हुए दोषी है इसके लिए कार्रवाई करेगी। इसमें जिसने मारा है इसको हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। सर क्या कार्य करते हैं अभी पूरी जानकारी की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसका मृतक लगभग 25-26 साल का है और मारने वाला भी लगभग 20-21 साल का बताया जा रहा है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसका